हेलो एवरीवन, मैं अतुल डीका गुरु मंत्रा कोचिंग इंस्टीट्यूट से। ये जो साइंस जीके का जो हमने सीरीज शुरू की हुई है, इसमें आज का जो पार्ट है वो SI यूनिट से रिलेटेड है। SSC CGL और CHSL में मेनली हर शिफ्ट में डेली एक क्वेश्चन आता है इससे। कोशिश कीजिए कि आप इन पूरी सीरीज को देखें एंड क्वेश्चंस को खुद मार्क कीजिए, सो दैट यू विल नो कि कितना आपको पता है कितना नहीं पता था। फॉलो कीजिए पूरा सीरीज को एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, सो दैट यू कैन गेट एनी न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन। आपको जो भी हम नया क्रिएट करते हैं वो आपको मिलता चला जाए। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज फोकस इज व्हाट इज दी फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फोर्स, जो बल बोलते हैं वो उसकी SI यूनिट क्या है? पास्कल है, बॉयल है, न्यूटन है या वॉट है? ये पास्कल है, बॉयल है, न्यूटन है या वॉट है? तो पॉज करके अपना आंसर आप मार्क कर सकते हैं, देन यू कैन कंटिन्यू लाइक दिस, और उससे आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने आंसर्स गलत हुए कितने सही हुए। इसका राइट आंसर है न्यूटन। न्यूटन जो फोर्स के बल की यूनिट होती है, न्यूटन, न्यूटन के नाम पे ही था ये साइंटिस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की जो SI यूनिट है इकाई क्या है? वो न्यूटन है या वॉट है या फेराड है या हर्ट्स है? अभी हर्ट्स में नापते हैं फ्रीक्वेंसी को, आपको पता होगा, और वेवलेंथ लैम्डा होता था। हर्ट साइंटिस्ट के नाम पे ही है ये, याद कर लीजिए। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। करंट को किससे नापते हैं? जो न्यूटन में नापते हैं, जूल में नापते हैं, एम्पियर में नापते हैं, वॉट में नापते हैं? देखिए इसका आंसर तो है एम्पियर। जूल जो होता है मेनली वो वर्क के लिए होता है आपका, ठीक है, और वाट मेनली देखिए घर में जो आता है मीटर, उसमें किलो वाट आवर kWh आपकी यूनिट निकलती है, तो उससे कंफ्यूज नहीं करना है इसको। इलेक्ट्रिक करंट की जो SI यूनिट है वो एम्पियर है। नेक्स्ट है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ प्रेशर। दाब इसको बोलते हैं, इसकी यूनिट क्या है? न्यूटन है, वेबर है, पास्कल है या हेनरी है? देखिए प्रेशर से पास्कल याद रख लीजिए, पी से पी, प्रेशर से पास्कल। लेकिन ये तो आंसर है इसका, यहाँ पे SI यूनिट प्रेशर का पास्कल। पास्कल और भी दो तीन चीजों की यूनिट होती है जो हम आगे इसमें देखेंगे। अब मैंने क्या किया है कि क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए थे वो मैंने इसमें से रिमूव कर दिए हैं, सो इट विल बी इजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड नाउ कि ये सारे जो ऑप्शंस में जो दिए होते हैं इनको आप ध्यान से जरूर देखें। बिकॉज नाउ अगर आपको पता है कि पास्कल, चलो प्रेशर की यूनिट होगी वो तो आसान है, न्यूटन आपने पढ़ लिया आगे कि किसकी यूनिट थी, वेबर और हेनरी किसकी है ये भी आपको देखना है, क्योंकि CHSL और CGL का एक बहुत इजी फॉर्मेट होता है कि वो सेम क्वेश्चन ऑप्शंस रिपीट करते हैं अगले शिफ्ट के क्वेश्चन, अगले डे के पार्ट में। सो इस तरह से आप फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ टेम्परेचर। तापमान बोलते हैं हिंदी में, तापमान की SI यूनिट क्या है? अब देखिए तीन चीजें आपने टेम्परेचर से शुरू होगी सुनी होगी, फारेनहाइट में नापते हैं, सेल्सियस में नापते हैं, केल्विन। इसकी केल्विन इसका राइट आंसर, जूल तो है नहीं, केल्विन इज द राइट आंसर जो SI यूनिट है। लेकिन सेल्सियस भी सुना होगा, जैसे आपने बोला होगा 30 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 2 डिग्री है, 5 डिग्री है, और वो फारेनहाइट में भी नापते हैं, जो बाहर नापते हैं, तो स्केल होता है जो +273 का। इसका आंसर है केल्विन, ये आपको गलती नहीं करनी है सेल्सियस में। दो चीजें और आती है जो आपको ध्यान दिलवा देता हूँ, इससे रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी बता रहा हूँ कि जो सेल्सियस और फारेनहाइट इन दोनों का स्पेलिंग करेक्शन बहुत आता है पेपर में, ये आप याद कर लीजिए। फारेनहाइट फा FAH, रेन REN, हीट HEIT, और इसी तरह सेल्सियस में बच्चों CELS CIUS कर देते हैं, वो गलती नहीं करनी है, सो कीप रिमेम्बरिंग दैट। नाउ व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड। भाई जो साउंड है उसकी इंटेंसिटी को नापने के लिए किसका ही प्रयोग किया जाता है? डेसिबल का, न्यूटन का, या हर्ट का, या टेस्ला का? अब अगर आपने आपने साउंड देखा होगा तो फ्रीक्वेंसी तो आपको हर्ट्स में नापते हैं ये पता था, लेकिन जो साउंड की जो इंटेंसिटी वो डेसिबल में नापते हैं, डीबी जिसको बोलते थे, हम डीबी से नापते थे। आंसर है डेसिबल। व्हाट इज द SI यूनिट ऑफ हीट एनर्जी। अब हीट एनर्जी की SI यूनिट क्या है? जूल है, न्यूटन है, या कैलोरी है, या केल्विन है? इसका आंसर है जूल। हीट एनर्जी जो मेनली एनर्जी का जो सोर्स उसकी होती है जूल। अब कैलोरी में देखिए ये कंफ्यूज मत करना कि कैलोरी वो होती है जो हम खाना खाने के कंजम्पशन के बाद जो हमें मिलती है, कैलोरी कितनी बर्न की, मतलब उसे कितनी कैलोरी मिली किस खाने में, तो वो उससे आप कंफ्यूज नहीं करना, इसका आंसर है जूल। नेक्स्ट है SI यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। आई थिंक इसको त्वरण बोलते थे हिंदी में, लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू, जो हिंदी पार्टिसिपेंट्स हैं। मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, मीटर पर सेकंड है, सेकंड पर मीटर है, सेकंड्स पर मीटर स्क्वायर है। अब देखिए इसका आंसर मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। अब इसको लिखेंगे कैसे? एम एस
माइनस टू भी लिख सकते हैं। ये आपको पेपर में ऑप्शन में इस तरह भी दिया हो सकता है या इस तरह भी दिया हो सकता है या फिर ऐसे भी लिखा होता है। तो राइट आंसर इज मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर एसआई यूनिट है एक्सेलरेशन की। नेक्स्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज यूज्ड टू मेजर सॉइल वाटर टेंशन। सॉइल वाटर टेंशन नापने के लिए किस इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग किया जाता है? क्या वो फोटोमीटर है, पायरोमीटर है, या साइकोमीटर है, या टेंसियोमीटर है? अब पहले वाली सीरीज अगर आपने फॉलो करी है साइंटिफिक नेम्स की, तो उसमें साउंड सेम आना चाहिए। इसमें टेंशन मेनली टेंशियोमीटर, यहाँ से आपको सिंपल लॉजिक इसको लगा सकते हैं, टेंशियोमीटर काम आता है सॉइल वाटर टेंशन को नापने के लिए। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड टू मेजर ह्यूमिडिटी। भाई ह्यूमिडिटी होती है आपकी आर्द्रता, मेनली जो अगर बारिश के बाद या जो जैसे बॉम्बे जैसे जो समुद्र के किनारे जो रहते हैं उनमें ह्यूमिडिटी ज्यादा होती है, जो वायु में जो नमी होती है वो ज्यादा, उसको किससे नापते हैं? हाइड्रोमीटर से नापते हैं, हाइग्रोमीटर से नापते हैं, या साइकोमीटर से नापते हैं, या एनीमोमीटर से नापते हैं? देखिए हाइग्रोमीटर से नापते हैं ये, इसका आंसर है हाइग्रोमीटर। नेक्स्ट है, केल्विन इज द यूनिट ऑफ मेजरमेंट किसकी है, मतलब केल्विन जो यूनिट है वो इनमें से किस नापने वाली इकाई की है? डेंसिटी, प्रेशर, या मास, या टेम्परेचर? मैंने बताया था कि ये वापिस रिपीट होते हैं क्वेश्चंस, दोनों तरीके से पूछे जा सकते हैं, तो ये हमें पता ही था आंसर इसका टेम्परेचर है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टेंस? वही रेजिस्टेंस की यूनिट क्या है, ओम है, या फराड है, या हेनरी है, या वेबर है? तो इसका आंसर देखिए ओम है। ओम एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने रेजिस्टेंस का जो फिनोमेना था वो दिया था, उन्हीं के नाम पे ही ये यूनिट है, आंसर है फर्स्ट ओम। नेक्स्ट है, फराड इज द यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस, रिएक्टेंस, इलेक्ट्रिक चार्ज, या इलेक्ट्रिक कंडक्टेंस? अभी बहुत सारे वर्ड आएंगे, कैपेसिटेंस, इम्पिडेंस, कंडक्टेंस, सारे एक जैसे आते चले जाएंगे, रेजिस्टेंस, इनकी यूनिट आपको जरूर याद होनी चाहिए, ऑप्शंस में जरूर मिलेगी। फराड जो है वो कैपेसिटेंस की है, फराड जो यूनिट है वो कैपेसिटेंस की यूनिट है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी इंडक्टेंस? भाई इंडक्टेंस जो है फिजिकल क्वांटिटी है एक, उसका उसकी जो इकाई है वो क्या है, वेबर है, फराड है, या हेनरी है, टेस्ला है? फराड तो है नहीं, आपने देख लिया कैपेसिटेंस का होता है, बच गया हेनरी, टेस्ला और वेबर, आपका आंसर है यहाँ पे हेनरी। इंडक्टेंस की जो यूनिट है वो हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इम्पीडेंस की यूनिट क्या है? अब देखिए एक चीज आप याद रखिए, कभी भी ये गलती मत करना कि आपको ऑप्शन पता है कि हाँ हेनरी तो इम्पीडेंस की थी, हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की थी, ये जरूरी नहीं है। एक यूनिट बहुत सारी और ज्यादा फिजिकल क्वांटिटीज की यूनिट भी हो सकती है, या आपको अभी प्रश्न आगे जब आएंगे उनमें पता चल जाएगा। तो इम्पीडेंस जो मेनली होता है वो रेजिस्टेंस की ही तरह होता है आपका, वो इसलिए इसका आंसर है ओम। इम्पीडेंस की यूनिट है ओम, और यही रेजिस्टेंस की भी यूनिट होती है, तो इसमें गलती नहीं करनी है। नेक्स्ट, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी एंट्रोपी? एंट्रोपी जो है उसकी यूनिट क्या है, वाट पर केल्विन है, न्यूटन पर केल्विन है, पास्कल पर केल्विन है, या जूल पर केल्विन है? इसका आंसर है जूल्स पर केल्विन, जूल्स पर के, ठीक है, या फिर जे के माइनस, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ठीक है, एंट्रोपी का यूनिट। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी मैग्नेटिक फ्लक्स? भाई मैग्नेटिक फ्लक्स किस में नापते हैं? फराड में नापते हैं, वेबर में नापते हैं, टेस्ला में नापते हैं, हेनरी में नापते हैं? तो ये नापते हैं वेबर में, W से डिनोट किया जाता है इसको। नेक्स्ट है, व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी जर्क? भाई जर्क मेनली होता है आपका झटका, जो बहुत जोर से जोर का झटका लगता है उसको बोलते हैं जर्क। मीटर पर सेकंड होता है, मीटर पर सेकंड क्यूब होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड होता है? इसका आंसर है मीटर पर सेकंड क्यूब। इसको ऐसे लिखेंगे एम बटे एस क्यूब, या एम एस माइनस थ्री। अब देखिए एम एस माइनस टू तो एक्सेलरेशन की यूनिट थी जो हमने देखी थी, पर ये है जर्क की। नेक्स्ट है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ की क्या है? जूल्स पर मीटर है, न्यूटन पर मीटर है, केल्विन पर मीटर है, या एम्पियर पर मीटर है? आंसर एम्पियर पर मीटर, एम्पियर पर मीटर। नेक्स्ट है, जो व्हाट इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ अमाउंट ऑफ ए सब्सटेंस? भाई कितनी एक सब्सटेंस की मात्रा है उसकी फंडामेंटल यूनिट क्या है? वो मोल है, कैंडेला है, केल्विन है, या मीटर है? केल्विन देखिए पता है टेम्परेचर की है, मीटर होती है आपकी डिस्टेंस की होती है, तो इसका आंसर है मोल। इस तरह से आप क्या करें कि व्हेन यू आर चूजिंग ऑप्शंस तो उनको स्ट्राइक आउट करना जरूर आसान करिए, क्योंकि उसमें फिर आपके पास कम ऑप्शन बचते हैं चूज करने के लिए, इट बिकम्स इजियर। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ ए वर्ड लेंथ? भाई जो शब्द की जो लेंथ होती है उसको किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, बाइट में नापते हैं, बिट में नापते हैं, मिलीमीटर में नापते हैं? अगर आपने मेरा कंप्यूटर वाला जो सीरीज है वो देखा है तो आपको पता ही होगा इन सब के बारे में। तो इसका आंसर है बाइट।
जो वर्ड की जो लेंथ होती है उसको नापते हैं बाइट में. नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव डेंसिटी. भाई रिलेटिव डेंसिटी की यूनिट क्या है, किलोग्राम पर मीटर है, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब है, या फिर इसकी कोई यूनिट ही नहीं है. रिलेटिव डेंसिटी की कोई भी यूनिट नहीं है. ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है आपको ये. नेक्स्ट है द एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ साउंड. भाई साउंड की जो इंटेंसिटी उसकी एसआई यूनिट क्या क्या है, वो वॉट पर स्क्वायर मीटर है, जूल्स पर स्क्वायर मीटर है, न्यूटन पर स्क्वायर मीटर है, या टेस्ला पर स्क्वायर मीटर है. इसका आंसर है वॉट पर स्क्वायर मीटर. वॉट पर स्क्वायर मीटर इंटेंसिटी ऑफ साउंड. नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ विच फिजिकल क्वांटिटी इज नॉट पास्कल. अब ये हमें पता था कि भाई प्रेशर की है पास्कल. मैंने आपसे क्वेश्चन पहले भी पूछा था कि ये जरूर पता होना चाहिए कि एक यूनिट बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटीज की हो सकती है, और यहीं पे वो क्वेश्चन है. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, खाली उसकी नहीं है, बाकी प्रेशर की भी है, स्ट्रेस की भी है, और यंग्स मॉडुलस, इन तीनों की ये यूनिट नापी जाती है पास्कल. याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें ऑप्शन में बहुत बार पेपर में आया है, स्ट्रेस की, प्रेशर की, और यंग्स मॉडुलस को नापते हैं पास्कल में. नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए यूनिट ऑफ डिस्टेंस. भाई जो डिस्टेंस है मतलब दूरी को, इनमें से किस चीज में नहीं नापते, लाइट ईयर में, लॉन्ग सेक में, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट में, या पार्सेक में. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पेपर में आया है ये क्वेश्चन. इस तरह से बहुत बार आता है कि लाइट ईयर किसकी यूनिट है. बहुत बार बच्चे क्या सबसे बड़ी गलती करते हैं कि लाइट ईयर जैसे मेनली आपका एक यहाँ से जो एक ग्रहों के बीच में जो दूरी नापते हैं हम, वो लाइट ईयर मेनली सूरज की तरफ जब जाते हैं वो दूरी को बोलते हैं लाइट ईयर में नापते हैं. लेकिन वो मेनली डिस्टेंस की ही दूरी वो होती है फिजिकल यूनिट. यहाँ पे जो डिस्टेंस की जो यूनिट, इनमें से लाइट ईयर तो है, एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी होती है क्योंकि एयू लिखते हैं इसको हम, पार्सेक भी है लेकिन लॉन्ग सेक नहीं है. लॉन्ग सेक नहीं है, ये आंसर है. सेकंड ऑप्शन इज नॉट करेक्ट, दैट इज अवर आंसर. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनीज. भाई किडनी की स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्या है. किडनी को देखिए, जो किडनी का एक स्पेशलिस्ट होता है उसको बोलते हैं नेफ्रोलॉजिस्ट. नेफ्रो NEPROLOGIST. भाई किडनी का काम क्या होता है, क्या आपकी फिल्टर का काम करती है मेनली, और जो कुछ मतलब इम्प्योरिटी जो बॉडी में होती है वो क्लीन कर देती है, ये मेनली होता है. और उन यूनिट्स को नापा जाता है. अभी देखिए यहाँ पे नेफ्राइट्स भी है, नेफ्रॉन्स भी है, मेनली यूनिट्स होती है नेफ्रॉन्स. तो ये तो इसका आंसर है. किडनी का डॉक्टर होता है उसको नेफ्रोलॉजिस्ट बोलते हैं, ठीक है. और यही इन्होंने पूछा था. नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की यूनिट क्या है, लक्स है, ओम है, या फराड है, या सीमेंस है. इसका आंसर है सीमेंस. जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस है वो सीमेंस है. रिमेंबर कंडक्टेंस की यूनिट अलग होती है और इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस की अलग होती है. ये दोनों में फर्क याद रखिएगा. कंडक्टेंस आपको पहले पढ़ लिया है. नेक्स्ट है व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क. टॉर्क की क्या होती है, न्यूटन पर मीटर, न्यूटन मीटर, न्यूटन सेकेंड, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसका आंसर है न्यूटन मीटर. सेकेंड ऑप्शन न्यूटन मीटर, ये होता है आपका टॉर्क का यूनिट. नेक्स्ट है व्हाट इज द यूनिट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. इल्यूमिनेंस. इल्यूमिनेंस सीमेंस में नापते हैं, टेस्ला में नापते हैं, लक्स में नापते हैं, वेबर में नापते हैं, इसको नापते हैं लक्स में, इल्यूमिनेंस. फिर है फिजिकल क्वांटिटी मोमेंटम की, न्यूटन पर सेकंड, सॉरी न्यूटन सेकंड है, या जूल सेकंड है, या अर्ग सेकंड है, या पास्कल सेकंड है. फिर से रिपीट करता हूँ मैं, मोमेंटम की जो यूनिट है वो बतानी है, न्यूटन सेकंड है, जूल सेकंड है, अर्ग सेकंड है, या पास्कल सेकंड है. तो ये है न्यूटन सेकंड, न्यूटन सेकंड. नेक्स्ट है कैपेसिटेंस, ये पहले भी आ चुका है, वेबर है, या फराड है, टेस्ला है, ओम है. अब ये देखिए आपने यहाँ पे इजिली देख ला होगा कि मैं दो तीन क्वेश्चंस को मैं खुद ही रिपीट करना, यहाँ से रिमूव करना भूल गया. बट ये क्वेश्चंस कम से कम 60-70 क्वेश्चन हर शिफ्ट में क्वेश्चन आता था, विच मीन्स की और उन्हीं में से रिपीट होता है जो ऑप्शन आते हैं. तो उसी को फॉलो कर लीजिए, ये वीडियो में पूरा कवर किया है इसको. कैपेसिटेंस की यूनिट होती है फराड. विच डिवाइस इज यूज टू मेजर द डेप्थ ऑफ ओशन. भाई जो समुद्र की गहराई को नापने के लिए, अगर ये समुद्र है तो इसकी गहराई को नापने के लिए कौन सा डिवाइस यूज करते हैं. लेक्सोमीटर होता है, नैनोमीटर होता है, फैदोमीटर होता है, हाइड्रोमीटर होता है. अब देखिए फैदोमीटर होता है, फैदम का मतलब ही वही होता है कि आपको जब कोई साउंड वापस आके सुनाई दे जाए, ठीक है. तो ये जाएगा यहाँ से सरफेस पर टकराएगा, जहां पे भी इसका पत्थर या कंक्रीट का जो फर्श होगा, पत्थर होंगे, इसमें कुछ भी पड़ा होगा, वहां पे जहां पे भी इसको फिजिकल क्वांटिटी मिलेगी उससे वो टकराएगी साउंड और वापस आएगी. और जितना टाइम में वो डिस्टेंस को उसने कवर किया है उससे वो आपका कवर हो जाता है डिस्टेंस, और वो नाप लिया जाता है कि ये इतना इसकी गहराई है. तो आंसर है फैदोमीटर.
नेक्स्ट है विच फिजिकल क्वांटिटीज मेजर इन सीमेंस। अब ये भी उल्टा आया था कि सीमेंस हमने अभी पढ़ा था, ये मैग्नेट आपके इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस को नापता है सीमेंस में। नेक्स्ट इसके बाद देखिए और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, इन्हीं में से आपको ऑप्शंस में से करिए जो दिखे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है ये सीरीज तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए चैनल को एंड शेयर कीजिए सो दैट अदर्स कैन बी बेनिफिटेड विद दिस फ्री एजुकेशन इनिशिएटिव। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू।